चेक बाउंस मामले में फरार चल रहे आरोपी को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने होली के मौके पर गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी क्लॉक टावर दिनेश कुमावत ने बताया कि अजमेर एसपी व डीएसपी के साथ ही उपाधीक्षक द्वारा स्टैंडिंग वारंटी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर निर्देश मिले थे। इस पर पुलिस ने दो मामलों का निस्तारण करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी नरेंद्र चंचलानी है, जो आशागंज का रहने वाला है, जो लगातार घर से फरार था और विदेश में रह रहा था। आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस के दो मामले थे, जिसे लेकर पुलिस ने होली के अवसर पर उसके घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी से इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। श्रीमान एसपी साहब अजमेर और एडिशनल एसपी साहब अजमेर सीओ साउथ के निर्देशानुसार जो स्टैंडिंग वारंटियों का जो अभियान चल रहा है, उसके तहत हमने दो स्टैंडिंग वारंटियों का निस्तारण किया। एक नरेंद्र चंचलानी, जो आशागंज अजमेर का रहने वाला है, उसके खिलाफ दो स्टैंडिंग वारंट थे और ये काफ़ी दिनों से देश से बाहर गया हुआ था। इस जैसे ही इसके होली पे आने की सूचना मिली, एएसआई दयानंद और चौकी स्टाफ ने इसको तुरंत दबोच लिया और इसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। क्या मुकदमा? इसके खिलाफ एनआईए के मुकदमे, ये चेक बाउंस का जो प्रकरण है, वो इसके दो प्रकरण इसके खिलाफ थे।